इसरो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ भाई, एक बार ऑडियो चेक करो। हिमांशी, तनु, कामना, विशाल, अक्षिता, जय, आर्यन, साक्षी, सुहाना, नीतीश, रमन, राकेश, गुड आफ्टरनून बेटा सबको। संयम, चेक करो बेटा एक बार ऑडियो वीडियो दोनों। पुलकित, सेजल, विशालमान, हाँ भाई बाकी भी जल्दी ज्वाइन करो। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अंजलि, अमन, साक्षी, गौरी, गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट मिनट है भाई, जल्दी ज्वाइन करो, स्टार्ट करें क्लास। वंस, साहिल, गुड आफ्टरनून बेटा। गरिमा, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ भाई, देखो हमने स्टार्ट किया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा नाम है बच्चों इसका एब्लियोस्कोपी। जहां भी बॉइलिंग का फिनोमिना होगा, हीटिंग का फिनोमिना होगा, बॉयल करना पड़ेगा, वहां आप वर्ड यूज कर सकते हो एब्लियोस्कोपी। एब्लियोस्कोपी का मतलब है हमें बॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो भाई प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। जिसने इसको ध्यान से समझ लिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगी, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगी। जिसको ये प्रॉपर्टी आ गई उसको वो प्रॉपर्टी 5 मिनट्स में आ जाएगी। तो इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है। रिलेटिव लोवरिंग की कंसेप्ट भी यूज होगी और बॉइलिंग की कंसेप्ट भी यूज होगी। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाना है, थोड़ा धीरे धीरे मैं बताऊंगा, कोई ज्यादा डाउट नहीं आएगा, बस ध्यान से सुनना है। देखो भाई, देखो सबसे पहली टर्म आपको समझनी है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जब कोई भी लिक्विड बॉयल होता है तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है, लेकिन वाटर के वेपर तो 4 डिग्री सेल्सियस पे बनने शुरू हो जाते हैं।
मान लो ये वाटर है, वाटर ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके वेपर तो 4 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर हमने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री क्यों लिया? ये ध्यान से सुनना भाई। देखो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हर एक चीज के ऊपर प्रेशर लगा के रखता है, हर एक चीज को प्रेशर के साथ नीचे प्रेस करके रखता है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट गैसेस का बना है, तो हम बोल सकते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हर एक चीज के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है लेकिन इतना फिक्स है, सी लेवल पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 एटमॉस्फेयर। 11th क्लास में आपने पढ़ा था जितना हाइट बढ़ती जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना घटता जाएगा। तो ये ध्यान देना भाई, एटमॉस्फेयर हर एक चीज पे एक प्रेशर लगाता है बच्चों, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैक्सिमम है 1 एटमॉस्फेयर, तो जितना ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता जाएगा। अब वापस आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब देखना, आप इस लिक्विड को गर्म करना शुरू करो, इस वाटर को गर्म करना शुरू करो, इसके वेपर बनते जाएंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतने वेपर बढ़ते जाएंगे, और वेपर बढ़ते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो हमें वेपर प्रेशर को कहां तक बढ़ाना है? जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी वो इतने ज्यादा वेपर बना ले कि उन वेपर का वेपर प्रेशर बिल्कुल किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब क्या हो गया? दोनों बराबर हो गए। अब सोचो थोड़े से और वेपर बन गए, अब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर इसको नीचे प्रेस करके नहीं रख पाएगा, इसलिए आपने देखा होगा चाय है, दूध है, बॉयल होते हैं तो वो सरफेस के साथ साथ ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉयल हो गए, उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया, अब एटमॉस्फेयर उनको नीचे की तरफ प्रेस करके नहीं रख पाएगा। तो हमें चेक करना है वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे देखो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वहां टेम्परेचर को रोक लो जहां वेपर का प्रेशर एग्जैक्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या पड़ी? इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं भाई, सभी सुनना ध्यान से। हाँ भाई, एक लिक्विड ले लिया मान लो वाटर, आपने इसकी हीटिंग करना शुरू कर दिया, आप जानते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर बनाना शुरू कर देगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर बढ़ते जाएंगे, और वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब एटमॉस्फेयर हर एक चीज पे प्रेशर लगाता है, उस प्रेशर को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो हाइट बढ़ती जाएगी तो ये घटता जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, लिक्विड को बॉयल करना है। हम लिक्विड को कैसे बॉयल कर पाएंगे? हम इसकी हीटिंग करते जाएंगे, और जब तक हीटिंग करेंगे जब तक इसके वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर ना हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको हम बोलते हैं
बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है, एक कंसेप्चुअल। अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हर एक टर्म को ध्यान से सुनना भाई, बेटा एक्स्ट्रा ध्यान लगाना है, हर एक पॉइंट को समझना है टॉपिक को, इसको रटना नहीं है, ये ध्यान देना भाई, सभी को ध्यान से देखना भाई। देखो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या मीनिंग है बच्चों? एलिवेशन का मतलब होता है बच्चों इंक्रीज होना, यानी इसका मीनिंग निकल रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान से सुनना भाई। देखो भाई सब, ये देखो, ध्यान से देखना भाई, ये प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सपोज करो मैंने वाटर ले लिया भाई, वाटर प्योर सॉल्वेंट है, अभी तक इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। आप जानते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, हम मानते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया बच्चों, यूरिया ऐड कर दिया, ग्लूकोज ऐड कर दिया। देखना भाई, पहले आपने लिया प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, अब आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इतना आप सभी जानते हो, सॉल्यूट ऐड करते ही क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करना, आपके प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा। तो पहले तो इतना समझना आपको, हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, वेपर प्रेशर कम हो गया था सॉल्यूशन का, जिसको आपने बोला था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री और मैंने यूरिया डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आपने देखा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 101 हो गया। और यूरिया डाल दूं और बढ़ जाएगा 102, और यूरिया डाल दूं और बढ़ जाएगा 103 हो जाएगा। तो जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा। अपने माइंड में सेट कर लो बच्चों, आपको बोला था रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी सॉल्वेंट से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है, लोवरिंग टर्म यूज हुई थी, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए टर्म क्या है, एलिवेशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना आपके माइंड में होना चाहिए, वो खुद कह रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और हर एक प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, सॉल्यूशन से। तो ध्यान रखना है, प्योर सॉल्वेंट लिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा, चाहे कितना भी आए, आधा डिग्री, एक डिग्री, पांच डिग्री, दस डिग्री, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे उतना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उतना ज्यादा एलिवेशन आता जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से। टीबी होता है बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर बोल दो या बॉइलिंग पॉइंट बोल दो, तो डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी होता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और मैंने पहले बताया था जिसके ऊपर नोट लग गया, जीरो लग गया, वो होता है प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो दोनों का जो गैप आएगा उसको बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये पहला फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ, आगे दोबारा रिपीट करना है, आगे कंटिन्यू करें, जल्दी बताओ भाई। हमने बोला है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री है,
नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा, कितना भी ज्यादा आए तो इंक्रीज हो गया सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, एलिवेशन हो गया। किसके बराबर होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? डेल्टा टीबी, डेल्टा का मतलब डिफरेंस, ज्यादा में से कम को माइनस करना है, सॉल्यूशन का ज्यादा है टीबी, सॉल्वेंट का कम है टीबी नॉट, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, तो कितना आ गया बच्चों, डेल्टा टीबी आ गया, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, तो ये ध्यान रखना है। अब जो सबसे मेन चीज है वो समझनी है, कॉज ऑफ एलिवेशन, इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, आगे फिर डेरिवेशन में एक ही पॉइंट समझने का प्रॉपर्टी आराम से आ जाएगी भाई। ध्यान लगाना बच्चों सभी, अब कमेंट करना बंद करो और इधर ध्यान लगाओ सारे, ध्यान से देखना भाई। देखो बच्चों, अब भाई कॉज ऑफ एलिवेशन, इसको दो अलग अलग एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझना। देखो पहली बात तो एग्जाम में ये ग्राफ आपको बनाना जरूरी है। क्या ग्राफ है देखो, यहां लिया हमने वेपर प्रेशर और यहां लिया बच्चों टेम्परेचर। डेफिनेशन आपको बताई है, बॉइलिंग पॉइंट चेक करें हैं, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक हमें जाना है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना एक बार बना लो इसको और फिर ध्यान देना है कर्व, ध्यान से सुनने के बाद जब समझ में आ जाए तब बनानी है, ध्यान से देखना भाई। मेरे पास गिवन है प्योर सॉल्वेंट, सपोज करो ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहां पे ले लिया मैंने, मैं क्या करूंगा, इतना तो आप सभी जानते हो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा। सपोज करो ये कोई भी सॉल्वेंट है, वाटर है, इसका वेपर प्रेशर यहां है, इनिशियल जो वैल्यू हमारे पास है, इतना सभी जानते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर बढ़ते जाएंगे, और वेपर बढ़ते जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो देखो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, तो आप देख सकते हो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट के ऊपर जाके आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे हुआ है, तो ये टेम्परेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर एक बार सुनो उसके बाद बनाना है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था स्टार्टिंग में, मैंने क्या किया टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर बढ़ेंगे, और वेपर बढ़ेंगे तो आप जानते हो बच्चों वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने का मतलब आपका सॉल्वेंट यहां के बॉयल हो गया, किस टेम्परेचर पे, इस पे, तो इसको बोल दिया टीबी नोट, तो टीबी नोट क्या बना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस कर्व को जल्दी से बना दो, फिर सॉल्यूशन से इसको कंपेयर करेंगे। ध्यान देना भाई सभी, अब देखना भाई, अब हमने लिया सॉल्यूशन, अब आप सभी जानते हैं जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है बच्चों सॉल्वेंट से, तो सीधी बात है अगर उसी टेम्परेचर से मैं स्टार्ट करूं तो सॉल्यूशन की रीडिंग नीचे आएगी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये था, आप जानते हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके हमने क्या कर दिया सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आएगा, तो सॉल्यूशन को शुरू करूंगा इसके नीचे से, यहां से अब मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा,
और बढ़ते बढ़ते जब तक मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा जब तक उसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो यहाँ क्यों हुई, इसका मतलब सॉल्यूशन यहाँ बॉयल हुआ। देखना भाई, आप क्लियर देख सकते हो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी सॉल्वेंट से ज्यादा आया। जो कर्व नीचे है वो सेम लाइन पे आगे जाके मिलेगी आपको, क्लियर दिख रहा है। तो देखना, वेपर प्रेशर कम था तो हमें ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करना पड़ा। इसको सिर्फ यहां से यहां तक बॉयल किया और इसको यहां से यहां तक बॉयल किया, ये ध्यान रखना भाई। ध्यान से देखो भाई, तो ये क्या बना, टीबी नोट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या बना बच्चों, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों के बीच का गैप आ गया डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। ये फॉर्मूला हमने बताया था। एक दूसरा एग्जांपल भी सुन लो फिर मैं आंसर करता हूं। देखो भाई, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है भाई, यहां तक हमें जाना है। ये आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और ये आपका सॉल्यूशन है। आप जानते हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो लेवल नीचे आएगा। आप खुद देख सकते हो किस केस में ज्यादा गैप कवर करना पड़ेगा, किस केस में आपको ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। तो उससे सिंपल कोई ग्राफ ही नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो वहीं तक पहुंचने के लिए ज्यादा हीटिंग करनी पड़ी। और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या बच्चों, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इससे ज्यादा है तो देखो कम हीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक जाने के लिए कम गैप कवर करना पड़ता है। तो इसको अपने माइंड में रखना है और इसको पेपर में ड्रॉ करना है। तो आपका रीजन क्या है, सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों आया, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों आया बच्चों, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए आया बच्चों क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। आप रिलेटिव लोवरिंग की कंसेप्ट को माइंड में लेके आओ, जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते जाओगे रिलेटिव लोवरिंग उतनी बढ़ती जाएगी। ध्यान हो तो ये थी रिलेटिव लोवरिंग, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट किसके बराबर था, एक्स टू के। जितना सॉल्यूट ऐड करते जाओगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना घटता जाएगा। देखना भाई, मान लो मैं और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करता तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और भी कम होता, कर्व और नीचे आ जाती तो मेरे को वहीं तक जाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करना पड़ता। तो सीधा आंसर है, जब सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, वेपर प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और वेपर प्रेशर ये चीज और अपने माइंड में रखना, डेरिवेशन में आएगी। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा एक्स टू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट तो फिक्स है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा। और जितनी कर्व को नीचे लेके जाओगे, आप खुद देख सकते हो सॉल्यूशन की दो कर्व बना दी मैंने, कर्व को जितना नीचे लेके जाओगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा आएगा। आप सॉल्यूशन की कर्व को जितना नीचे लेके जाओगे आपको उतना ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा आपके बॉइलिंग पॉइंट में, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज्यादा गैप बढ़ता जाएगा। यहां इतना गैप था, यहां देखो इतना गैप आया। तो ध्यान रखना है डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। तो अपने माइंड में रखो, जितना सॉल्यूट बढ़ेगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना घटेगा, जितना वेपर प्रेशर घटेगा बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ेगा तो देखना ये गैप उतना ज्यादा होता जाएगा। तो इसको हमने बोला
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें बताओ भाई, कोज समझ में आया या फिर रिपीट करना है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, रोहन ने क्वेश्चन पूछा है प्रेशर कुकर पे, इसका आंसर फिर देंगे, इस कंसेप्ट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। वैसे तो प्रेशर कुकर हम घर में भी यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर कुकिंग टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे करता है? वो जल्दी बॉयल करता है। वो कंसेप्ट भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। इसमें जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर है? साहिल कह रहा है भाई रिपीट कर दो। हाँ भाई, सुनो बच्चों एक बार, ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई, ये था सॉल्वेंट। आपने क्या किया, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ले लिया। यहां आप क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ जब तक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। इस टेम्परेचर पे हुआ है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब आपने क्या किया, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन बन गया। तो इतना आप जानते हो, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है तो कर्व नीचे आएगी। अब इसको बॉइल करना शुरू करो, तो यहाँ से क्लियर तो दिख रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। यही कोज हमें लिखना है। तो देखना, ये सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का था, तो ये गैप आ गया। तो आप देख सकते हो ये 100 डिग्री है, तो ये 105 डिग्री मिलेगा, 101 डिग्री मिलेगा। तो सीधा सा रीज़न है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हो बेटा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मैंने ये बोला, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां तक जाना है, ये सॉल्वेंट था, ये इसका वेपर प्रेशर था। मान लो मेरे को 100 डिग्री पे हिट करना पड़ा, यहां से यहां पहुंच गया, वेपर बढ़ते बढ़ते वेपर प्रेशर यहां तक पहुंच गया। लेकिन एक चीज सोचो, जब सॉल्यूशन बनाओगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एड करके, उसका वेपर प्रेशर तो कम मिलेगा। देखो, वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो सोचना कि 100 डिग्री पे हीट करके यहां से यहां पहुंच जाएंगे, और ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी। आप देखना, गैप बढ़ नहीं गया। तो मैं बोल रहा हूं, जितना वेपर प्रेशर घटेगा, सॉल्यूशन उतना नीचे आता जाएगा, और सॉल्यूशन जितना नीचे आएगा, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए उतना ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। तो यहां से क्लियर दिख रहा है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का, ये भी सॉल्यूशन का। जितना वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर जितना नीचे आएगा, आपको उतना नीचे से चलना पड़ेगा, पहुंचना यहीं तक है। तो इसका मतलब क्या, उतना ज्यादा गैप नहीं कवर करना पड़ेगा, और गैप कवर करोगे आप हीटिंग करके। तो देखो, एक तो यहां से यहां तक जाना है, कम हीटिंग से काम हो गया। एक वेपर प्रेशर को यहां से यहां तक लेके जाना है, एक वेपर प्रेशर को यहां से यहां तक लेके जाना है। आप देखो, वेपर प्रेशर का लेवल जितना नीचे आएगा, बॉइलिंग उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो, उतना ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा। तो ये चीज मैंने बोली, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये कोज बना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखना भाई, अब एक डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान से सुनना है। एक पॉइंट है उसमें समझने का, जिसपे कंफ्यूजन हो सकता है और होना भी चाहिए कंफ्यूजन। तो ध्यान से देखो भाई, क्या डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना बच्चों, देखना भाई।
हमने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सिंबल बनाया बच्चों डेल्टा टी बी, और डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के। ये बताओ सही लिखा के गलत लिखा, क्या लग रहा है? डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। बताओ भाई, डेल्टा टी बी डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही लग रहा है गलत लग रहा है? जल्दी से बताओ, यही पॉइंट है समझने का। ये जिसको आ गया, दोनों को नेगेटिव प्रॉपर्टी आगे की आ जाएंगी। जल्दी से बताओ भाई, डेल्टा टी बी डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहा हूं कैसे? ध्यान से सुनना है, ध्यान लगाना भाई। देखो ये ग्राफ अभी अभी मैंने बनाया था, यहां टेम्परेचर लिया था, ये सॉल्वेंट था भाई, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आया था। अब मैं जितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगा सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर उतना घटेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। देखना भाई, मैं ये बोल रहा हूं और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्यूशन और नीचे आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और आगे जाएगा। आप देखना, ये गैप थोड़ा है तो ये गैप भी थोड़ा आएगा, ये गैप थोड़ा है, ये गैप बढ़ गया तो आप देख सकते हो ये गैप भी अपने आप बढ़ गया। तो देखो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों के वेपर प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा टी बी। तो आप देख सकते हो इस सॉल्यूशन की कर्व को जितना नीचे लेके आओगे, इस गैप को जितना बढ़ाते जाओगे, ये गैप उतना बढ़ता जाएगा। तो यहां से मैं लिख रहा हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। अब साथ साथ लिखते जाना, मैं थोड़ा स्लो करके बता रहा हूं, डेरिवेशन सबको आना चाहिए। अब सिंपल है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये कहां से आया? आपने पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? ये पड़ी होगी P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू X2। सुनना भाई, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट, सॉल्यूशन का पी एस, दोनों का गैप होगा डेल्टा P। और डेल्टा P को मैंने बताया था जब तक इतना रखोगे P नॉट माइनस पी एस वो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, और जब P नॉट से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव लोवरिंग बन जाएगा। तो देखना डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एक्स टू के बराबर है। मैं इसको हटा दूं, ये ऐसे बोल दो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट एक्स टू के बराबर है, तो डेल्टा पी तो एक्स टू के बराबर थोड़ी है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो यहां से क्लियर हो रहा है, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूं ये इसके प्रोपोर्शनल भी मिलेगा। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, तो क्या आ गया? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू। इतना लिख दो भाई, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू। क्या हो गया बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, कंसंट्रेशन के फॉर्मूले पुट करने। अब ये बताओ भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स टू की जगह क्या पुट कर सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। X2 किसके बराबर होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2 के। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू,
एक्स टू की जगह पुट कर दिया एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, अब नीचे दो टर्म आ गई, कैलकुलेशन टफ होगी। तो रिलेटिव लोअरिंग में भी क्या किया था, एन टू इज वेरी वेरी लेस देन एन वन, सोल्यूशन को डाइल्यूट मान लेता हूँ बच्चों ताकि कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, और एन टू को एन वन के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बच गया फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इन टू एन टू अपोन एन वन, सिंपल अभी तक। अब तुम्हें क्या करना है, एन वन की वैल्यू पुट करनी है, एन वन किसके बराबर होगा, नंबर मोल ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी एन वन होता है सोलवेंट, फिर रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट कंपोनेंट बच्चों सोलवेंट है, सेकंड कंपोनेंट सोल्यूट है, तो एन वन किसके बराबर होगा, नंबर मोल ऑफ सोलवेंट किसके बराबर होंगे, मास ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट, तो एन वन किसके बराबर होगा, डब्ल्यू वन अपॉन एम वन के बराबर होगा, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आया, के इंटू एन टू डब्ल्यू वन एम वन, ऊपर चला गया पहली चेंज। अब एक चेंज और करनी है, डेरिवेशन सोल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनना फिर से, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स टू के, ये इसके प्रोपोर्शनल, ये एक्स टू के प्रोपोर्शनल, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ गया के, एक्स टू होता है एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू, और सोल्यूशन को डाइल्यूट मान के एन टू को एन वन के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इन टू एन टू अपॉन एन वन, और एन वन की जगह पुट कर सकते हो डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, तो डब्ल्यू वन एम वन ऊपर गया। अब देखना भाई, अब मैथ्स में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, के एक कॉन्स्टेंट है और मोलिकुलर मास भी किसी भी कंपाउंड के लिए कॉन्स्टेंट होता है, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342, वाटर का 18 होता है, तो मोलिकुलर मास फिक्स है, तो इसका मतलब एक कॉन्स्टेंट को दूसरे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक नया कॉन्स्टेंट आएगा, और वो नया कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे के बी से, के बी इंटू एन टू अपोन डब्ल्यू वन, और इस के बी का नाम ध्यान रखना है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, दूसरा नाम है एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, क्योंकि बॉइलिंग को एब्लियोस्कोपी बोलते हैं, मैंने शुरू में लिखा था, तो के बी के कॉन्स्टेंट, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट भी कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट को दूसरे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, एक नया कॉन्स्टेंट के भी आ गया, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब मेरे को जल्दी से ये बता दो, एन टू अपोन डब्ल्यू वन की जगह क्या रख सकता हूँ, ध्यान से पढ़ो, ऊपर है मास सॉरी नंबर मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे है मास ऑफ सोलवेंट, सपोज करो किलोग्राम में ले लेता हूँ मैं, किसका फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, एक ही टर्म थी जिसमें नीचे सोलवेंट का मास लिया था और किलोग्राम में लिया था, वो थी मोललिटी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करूंगा, ये आपका डेरिवेशन आ गया, डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और एम आ गया बच्चों आपका मोललिटी, किसमें, मोल पर किलोग्राम में, वेरी गुड भाई साहिल, तनु, मोललिटी, विवेक बोल, सबने बता दिया भाई। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आ ही जाएगा, पूछने की जरूरत ही नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी, पहला फॉर्मूला याद रखना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नोट, सोल्यूशन माइनस सोलवेंट, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी के, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स टू के, और डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एक्स टू, और एक्स टू किसके बराबर है, एन टू अपोन एन वन प्लस एन टू, अब देखना एन टू को एन वन के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट करेंगे सोल्यूशन को डाइल्यूट मान के, तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ गया, के इन टू एन टू अपोन एन वन। अब एन वन नंबर मोल ऑफ सोलवेंट,
डब्ल्यू वन अपॉन एम वन एक चेंज किया, अब के कॉन्स्टेंट एम वन कॉन्स्टेंट दोनों की मल्टीप्लाई से एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया बच्चों के बी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। और ये देखो नंबर मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम ले लो, मोलेलिटी होगी और मोलेलिटी की यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला है। अब बताओ भाई टफ नहीं है, 10-15 मिनट लगा के अगर इसको पढ़ोगे, सिर्फ 1.5 पेज हम कर रहे हैं आज, कल इसके न्यूमेरिकल्स बड़े इजीली सोल्व हो जाएंगे। और ये प्रॉपर्टी आ गई, दूसरी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट प्रॉपर्टी अपने आप आ जाएगी आपको। हाँ भाई, अब पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है 2 मार्क्स में और इसकी यूनिट पूछ सकता है 1 मार्क्स में। मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट दूसरा नाम है एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, के बी की डेफिनेशन और यूनिट बतानी है बच्चों, और कल न्यूमेरिकल्स में उसको यूज भी करेंगे। हाँ मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट के बी की यूनिट बतानी है। उससे पहले भाई एक छोटा पॉइंट रह गया आपका बीच में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेरिवेशन तो आपने कर लिया, लेकिन हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप सोल्यूट का मोलिकुलर मास डिटरमाइन करते हो एम टू, वो डिटरमाइन करना रह गया भाई, वो ध्यान से सुन लो एक बार, पहले वही बता देता हूं मैं। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है आज वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ध्यान से देखो बिल्कुल सिंपल है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब मेरे को ये बता दो मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाला फॉर्मूला जो फाइनल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट नंबर मोल बन गए, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बच्चों, डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, एम टू निकालना है एम टू को ऊपर ले जाओ, डेल्टा टी बी को इसकी जगह यहां ले आओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो क्या बना बच्चों एम टू यहां आ गया, एम टू इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000, डेल्टा टी बी नीचे आ गया, डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल वैल्यू पुट करनी थी जस्ट मोलेलिटी।